वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो आपके फर्स्ट ग्रेड पीजीटी इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होता है स्कूल लेक्चरर का, उस एग्ज़ाम के लिए और साथ ही साथ जो अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जहाँ पे आते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। निम्न में से किसको आधारभूत क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फूड प्रोडक्शन। नेक्स्ट देखिए दूसरा, गिनी कोफिशिएंट मेजर्स, गिनी गुणांक जो होता है वो क्या मापता है? तो गिनी गुणांक और लोरेंज वक्र दोनों किसी भी अर्थव्यवस्था में आय की असमानता, जो इनकम इनइक्विलिटी होती है, उसको मापता है। और गिनी कोफिशिएंट में आय की जो असमानता है उसको मापने के लिए जो लोरेंज वक्र है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अमृत सेन वाज अवार्डेड द नोबल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू। अमृत सेन को अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार किस लिए दिया गया? तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान के कारण अमृत सेन को नोबल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट आपका है, शेड्यूल्ड बैंक हैव टू बी रजिस्टर्ड विद, जो अनुसूचित बैंक होते हैं उनका पंजीकरण किसके पास होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के पास में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेबर। निम्न में से श्रम की कौन सी विशेषता नहीं होती है? फर्स्ट, लेबर इज पेरिशेबल, श्रम जो होता है वो नाशवान होता है। बिल्कुल सही है, श्रम का अगर किसी दिन प्रयोग नहीं किया जाएगा तो उस दिन का जो श्रम होता है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, लेबर पेरिशेबल होता है। फिर लेबर में लेस मोबिलिटी होती है, गतिशीलता का अभाव पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर, ठीक है, लेबर में जो मोल भाव की शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है, ये गलत है, ठीक है। जो लेबर होता है वो पेरिशेबल होता है, उसमें बार्गेनिंग पावर ज़्यादा नहीं होता है, और लेबर की सप्लाई इनइलास्टिक होती है, बेलोचदार होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग सेड पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फूड इंक्रीजेज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या जो होती है वो ज्यामिति दर से बढ़ती है, ज्योमेट्रिकल रेट से बढ़ती है, और जो खाद्यान्नों की आपूर्ति होती है वो अंक गणितीय दर से बढ़ती है। ये किसने कहा था? माल्थस ने। माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है उसके अनुसार किसी भी देश में जनसंख्या ज्यामिति दर से बढ़ती हैं और खाद्यान्नों की जो आपूर्ति होती है वो अंक गणितीय दर से बढ़ती हैं, 1, 2, 3, 4। और ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया, 1, 2, 4, 8, इस तरीके से बढ़ती हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स डेटा फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। असंगठित क्षेत्र के लिए आंकड़े जो है वो संकलन करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र के लिए आंकड़े इकट्ठे करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? NSSO, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट व्यूड एज नेशनल डेट। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? तो प्रोविडेंट फंड को माना जाता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSEs जो होते हैं उनको भी नेशनल डेट माना जाता है, राष्ट्रीय ऋण माना जाता है, और सरकार के द्वारा अगर दीर्घकालीन कुछ बॉन्ड उधार लिए गए हैं उनको, मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, जो जीवन बीमा पॉलिसियां होती हैं, उनको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पब्लिक सेक्टर यूनिट, निम्नलिखित में से कौन सा पब्लिक सेक्टर का एक उद्यम है? तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, भेल। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है वो पब्लिक सेक्टर का है और इसको महारत्न का दर्जा भी मिला हुआ है। नेक्स्ट आपका है दसवां, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, निम्न में से योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? जो देश का प्रधानमंत्री होता है। और जब प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी 1950-51 में, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैव won the Nobel Prize for Economics in 2020, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 का नोबल पुरस्कार किसको मिला है? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तो पॉल मिलग्रोम इनको मिला है और दूसरा रॉबर्ट बी विल्सन। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है इन दोनों को मिला है। नेक्स्ट है SRO बीइंग यूज इन द कैपिटल मार्केट, ठीक है, जो पूंजीगत बाजार होता है उसमें SRO का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्योरिटी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, इसको हम कहते हैं SRO पूंजी बाजार के संदर्भ में। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, निम्नलिखित में से किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, उत्पादन क्या किया जाए, ये केंद्रीय समस्या होती है। हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन कैसे किया जाए, ये भी सेंट्रल प्रॉब्लम केंद्रीय समस्या होती है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये तीनों आर्थिक समस्याएं होती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। व्हेन टू प्रोड्यूस, उत्पादन कब किया जाए, ये सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए 14, व्हेन डिक्रीज इन प्राइस ऑफ वन गुड कॉज द डिमांड फॉर अनदर गुड टू डिक्रीज, किसी एक वस्तु की कीमत में कमी होने पर दूसरी वस्तु की मांग अगर कम हो जाती है तो इस प्रकार की वस्तुएं कौन सी होगी? एक्स वस्तु की कीमत में अगर कमी आती है तो वाई वस्तु की मांग अगर कम हो जाती है तो ये जो वस्तुएं हैं वो कौन सी होती हैं? सब्स्टिट्यूट होती हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं। और प्रतिस्थापन वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत अगर कम हो जाएगी तो लोग उस वस्तु का उपभोग बढ़ा देंगे और उसकी जो प्रतिस्थापन वस्तु है वाई, उसकी मांग वो कम कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, Which of the following is not a cause of decrease in demand? निम्नलिखित में से मांग में कमी का कारण नहीं है। उपभोक्ता की आय में कमी से क्या होगा? वस्तु की मांग कम हो जाएगी, पहला बिल्कुल सही है। Fall in the price of substitute good, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में अगर कमी आ जाती है तो इससे भी क्या होगा? दूसरी वस्तु की जो उसकी प्रतिस्थापन वस्तु, उसकी मांग कम हो जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, और डिक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर, इससे भी मांग कम हो जाएगी। ठीक है, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, अगर दो वस्तुएँ पूरक वस्तुएँ हैं, पूरक वस्तु में क्या होता है, एक वस्तु की कीमत में अगर कमी आ जाती है तो उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड होती हैं उसकी डिमांड भी एक तरह से क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये मांग में वृद्धि का कारण है, मांग में कमी का कारण नहीं है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 16, विथ 10% फॉल इन प्राइस ऑफ गुड, किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी होने पर इट्स डिमांड राइजेस फ्रॉम 100 to 120 यूनिट, उस वस्तु की मांग 100 से बढ़ के 120 इकाइयाँ हो जाती हैं, मांग की कीमत लोच क्या होगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ये आपको मेजर करना है। तो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन
परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो हमारे पास में गिवन है, दे रखा है। सबसे पहले हम डिमांड में परसेंटेज चेंज कितना है वो मालूम कर लेंगे। तो देखिए डिमांड क्या हो रही है, 100 से 120 बढ़ रही है। तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ, तो देखिए इसमें चेंज हुआ है 20 यूनिट का, अपॉन पहले वाली डिमांड। इनिशियल डिमांड कितनी थी 100, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम 100 से, तो 100 से 100 तो आपका कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया ये 20%। तो डिमांड में कितना चेंज हुआ 20% का, और प्राइस में 10% का चेंज हमको पहले से दे रखा था। इसलिए इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड कितना है आपका 20%, और प्राइस में दे रखा था आपका 10, तो 20/10 करेंगे कितना आएगा 2। मतलब यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, 1 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, मांग की तिरछी लोच कैसी होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नेगेटिव फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो पूरक वस्तुएं होती हैं उनके लिए कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। एक वस्तु की कीमत में वृद्धि से दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाएगी, इसलिए हम कहेंगे पूरक वस्तुओं के संदर्भ में तिरछी लोच कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। नेक्स्ट देखिए 18-18, गिफिन गुड्स आर काइंड ऑफ गुड्स हुज, गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं। तो गिफिन वस्तु में क्या होता है, अगर हम आय प्रभाव की बात कर रहे हैं तो आय प्रभाव इनकम इफेक्ट तो कैसा होता है, उसमें पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है आय प्रभाव। और जो कीमत प्रभाव होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, कीमत प्रभाव पॉजिटिव होता है और आय प्रभाव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। कीमत प्रभाव पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, जब कीमत बढ़ेगी तो कीमत बढ़ने के साथ साथ में क्या होगा, जो गिफिन गुड्स होती हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए कीमत प्रभाव तो क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन आय की अगर हम बात करें तो क्या होगा, आय में वृद्धि के साथ साथ में गिफिन वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम क्या कहेंगे, इनकम इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होगा और प्राइस इफेक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट देखिए, द शेप ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व इज, उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र इस आकार का बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजन, ठीक है। जो आपका ये मूल बिंदु है यहां से कैसा होता है, नतोदर होता है, ऑप्शन आपका बी। फिर आपका लास्ट है 20वां, व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीजेज द प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व विल, ठीक है। ये आपका जैसे प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व बना रखा है ए बी, इसको हमने नाम दे दिया। अब अगर किसी इकोनॉमी के पास में रिसोर्सेज अगर बढ़ जाते हैं, संसाधनों में अगर वृद्धि होती है, तो जो उत्पादन संभावना वक्र है वो क्या होगा, राइटवर्ड दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, शिफ्ट टुवार्ड द राइट, ठीक है। जो आपका उत्पादन संभावना वक्र है वो रिसोर्सेज इंक्रीज होने पर, संसाधनों में वृद्धि होने पर दाईं ओर खिसक जाएगा, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में हम इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको हम डिस्कस करेंगे।